हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है राइट ए पाइथन कोड टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट एफ इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कोड में हमको ये करना रहेगा कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि यूजर से इनपुट लेगा टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस। उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे एफ, उसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे। तो दोस्तों, पहले हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट्स से सी इक्वल टू, इसको हम भी इंट फॉर्म में लेंगे, इनपुट मैसेज दे देंगे एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से एफ, इसके अंदर हम वो वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसके बाद हम सिंपली वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज एफ। तो गाइस, हमारा कोड रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये कोड आखिर रन कैसे करता है। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बोल रहे हैं एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो मैं पुट कर दे रहा हूँ 5 फॉर एग्जांपल। तो आउटपुट आता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए गाइस, जल्दी से जान लेते हैं ये कोड आखिरकार काम कैसे करता है। तो पहले हमने एक वेरिएबल बनाया सी नाम का, जो कि यूजर से इनपुट लेगा टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसके बाद ये नीचे प्रोसेस होगा और जो भी वैल्यू आएगा वो ऐप में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैसेज प्रिंट करेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ एफ, ऐप का वैल्यू जो भी होगा इधर प्रिंट कर देगा डिग्री फ़ारेनहाइट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।